इस्लाम से दीनी मुताल्लिक हर मालूमात। तरह की वीडियोस देखने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना कैसा है? क्योंकि देखा जाता है कि ईद की नमाज पढ़ के आते हैं फिर कब्रिस्तान की तरफ जाते रहते हैं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? जैसे कि मसला मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, अगर आप देखना चाहें तो फतावा कासमिया खोलिएगा जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 445 पे, और बहवाला फतावा हिंदिया देखें जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 350 पे, और फतावा महमूदिया में भी ये मसला लिखा है। जैसे कि फतावा महमूदिया में जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 201 पर मसला सराहतन लिखा है। मसला यह है कि ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना यह मुस्तहब है, यानी जाने का सबूत भी मिलता है। बाज रिवायत से ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाने का सबूत मिल रहा है, हदीसें मौजूद हैं इसके मुताल्लिक, बाज रिवायत में इसका तज़किरा मिलता है। लेकिन ये समझें, ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना कोई सुन्नत नहीं है या जरूरी नहीं है, न जाना कोई गुनाह हो, ऐसा कुछ नहीं। असल बात यह है कि ईद ये एक खुशी का दिन है, ईद उल फित्र खुशी का दिन है। खुशी के दिन में हम जैसे खुश रहते हैं, ऐसे ही खुशी के दिन में अपने मुर्दों को जो रुखसत हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, जो हमारे बाबो अजदा हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए और कब्रिस्तान जाना चाहिए। क्योंकि कब्रिस्तान जाने से हदीस में आता है कि फजूरुहा फइन्नहा तुज़क्किरुल मौत, कब्रिस्तान अगर जाएंगे तो आखिरत की याद आती है, मौत की याद आती है। खुशी के मौके पे ऐसा न हो कि खुशी में हम कोई नाजायज काम कर डालें, खुशी की वजह से खुशी मनाने के चक्कर में हम जो है कोई हराम काम, गुनाह गुनाह का काम कर लें। इसीलिए हमारे लिए जैसा कि रिवायत से साबित भी होता है, बास रिवायत में तज़किरा मिलता है, तो इसी वजह से कब्रिस्तान जाते हैं ताकि वहां जाने से खुशी भी हो, हम ईद का दिन है खुश हैं, लेकिन हाँ आखिरत को जरूर याद रखेंगे, कब्रिस्तान जाने से आखिरत की याद आती है। तो इसीलिए बेहतर यह है, मुनासिब यह है कि आप कब्रिस्तान जाया करें, आम दिनों में भी जाएं। इस्लाह उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला दीनी तरबियती व इस्लाही चैनल, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं। अगर आप मसला मसाइल पूछना चाहें तो कमेंट में जरूर पूछें, उसका जवाब मुस्तकिल वीडियो बनाकर दिया जाएगा। उसके अलावा इस चैनल में उलमाए इकराम के बयानात, हमदोनात, ख्वाबों की ताबीरें, अकाबिर के मुजर्रब वज़ाइफ और इस्लाम से मुताल्लिक हर तरह की वीडियोज पा सकते हैं।